बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इनकरेक्ट। तो बच्चों, सबसे पहले रिएक्शन को देखते हैं। ये हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है, उसकी हमने रिएक्शन करवाई कीटोन से। क्या होगा गाइस? बेसिकली इसको MgBr छोड़ो, ट्रीटेड एज हमारा रिंग पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये यहां पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ओ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और उसके बाद जब तुम H प्लस डालोगे तो ये क्या बना देगा बच्चों? ओ एच। तो बेसिकली दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट, कि रिंग ने अटैक कर दिया इस कार्बन पे, ओ माइनस बना एंड ऑन H प्लस इट गिव्स ओ एच। यही हमें दिख रहा है गाइस, दिस इज द प्रोडक्ट यू आर गेटिंग। सो इट इज करेक्ट, दिस रिएक्शन इज करेक्ट बच्चों। समझ गए ना गाइस कैसे बनाया हमने? मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ये कार्बन आयन है, यहाँ पे अटैक हुआ और ओ का हमारा ओ माइनस बन गया। बेसिकली ऐसे सोचिए जो सी ओ बॉन्ड था उसका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, सी पे पॉजिटिव ओ पे नेगेटिव। सी पे पॉजिटिव था इसलिए हमारा इसने कार्बन पे अटैक कर दिया और ओ माइनस का बाद में हमने ओ एच कर दिया व्हेन वी एड एच प्लस आयन। क्लियर है गाइस? सेकेंड पे आते हैं गाइस, एम जी इथर यू अंडरस्टैंड के आर एक्स के अंदर हमारा आर एम जी एस बनाता है ये। हाँ है ना बच्चों? आर एक्स प्लस एम जी गिव्स आर एम जी एस, यू गेट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इम्पोर्टेंट चीज यहां पे क्या है गाइस, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये हमारा बना। अब बिफोर वी अटैक पी एच सी एच ओ, इससे पहले कि हमारा पी एच सी एच ओ पे अटैक करे, देयर इज अ रीअरेंजमेंट दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस। रीअरेंजमेंट क्या हो गया बेसिकली, उसे रीअरेंजमेंट भी ना कहो, तुम्हें इतना समझ आया नहीं आया बच्चों? ये हमारा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। नाउ दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, कार्बन पे नेगेटिव इज स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है गाइस? और ये जो हमारा एच है ये एसिडिक है, एच पे प्लस डेल चार्ज है। क्यों प्लस डेल चार्ज है? बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू नाइट्रोजन। तो आइडिया क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज क्या ठहरी हमारी, कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आने के बाद, कार्बन में नेगेटिव चार्ज आने के बाद ये हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, और वो जो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे था वो कार्बन पे ना होके कहां पे आ जाएगा बच्चों? नाइट्रोजन पे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मैं फिर से बताता हूं, कार्बन में नेगेटिव चार्ज आया और वहां से हमारा उसने इस हाइड्रोजन को ले लिया, तो कार्बन का नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया एंड दैट नेगेटिव चार्ज एक्चुअली गोज टू नाइट्रोजन बच्चों। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जो हमारी रिएक्शन हुई ये क्लियर हुई या नहीं हुई गाइस? कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था बट इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, वो यहां से एसिडिक हाइड्रोजन ले गया, एनएच वाला हाइड्रोजन वाज एसिडिक, उस हाइड्रोजन को कार्बन लेके चला गया, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो गाइस जब पीएच सीएच पे अटैक हुआ तो वो हमारा नाइट्रोजन एंड से अटैक होगा पीएच सीएच पे। ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही है बच्चों? देखो पीएच सी डबल बॉन्ड ओ एच, इट इज द अटैक ऑफ नाइट्रोजन दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन सी बच्चों। तो मैं एक बार जरा प्लॉट बना के दिखा देता हूं क्या बनेगा। हम कहेंगे पी एस था, सी डबल बॉन्ड ओ एस था, इसमें सी डबल बॉन्ड ओ को ब्रेक करो, क्या कर दो बच्चों? ओ माइनस, ओ माइनस कर दिया। क्लियर है गाइस? सी प्लस ओ माइनस था, सी प्लस पे किसका अटैक हो गया बच्चों? नाइट्रोजन एंड से अटैक हो गया। तो ये क्या बनाएगा गाइस? दिस इज वॉट यू विल गेट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? पी एच सी एच ओ पे नाइट्रोजन एंड से अटैक हो गया। ठीक है गाइस, क्लियर हुई ये चीज? गुड। और बाद में जब एस सी ओ प्लस करोगे तो ये क्या बना देगा बच्चों? ओ एच। आई होप इट इज क्लियर टू यू किस तरीके से हुआ। फिर से बता देता हूँ, पहले कार्बन पे नेगेटिव आया, बी आर तो हट ही चुका है, एम जी बी आर का मतलब है एम जी बी आर को हटाओ, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज के बाद क्या हुआ? ये जो हमारा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था उसने हाइड्रोजन ले लिया, एसिडिक हाइड्रोजन इट टू, तो जो नेगेटिव चार्ज आया वो बेसिकली किस पे आ गया? अब नाइट्रोजन पे। सो द अटैक विल बी फ्रॉम नाइट्रोजन एंड, उसके बाद तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, सो दिस प्रॉड इज रॉन्ग, हमें पूछा गया था विच इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है ना बच्चों, दिस इज इनकरेक्ट। अभी बाकी दो और देखते हैं, पी एच एम जी बी आर ऑक्सीजन पे अटैक है गाइस। यहां पे तुम ध्यान से देखो, किसी भी साइड पर अटैक हो सकता है, बोथ आर सेम। अगर यहां पे इधर सी एस सी होता सपोजिंग,
तो हम ऑब्वियसली बात है यहां पे अटैक करवाते हैं क्योंकि एसेंट टू अटैक है, इट ऑकर दैट लेस हिंडर्ड कार्बन। लेकिन यहां पे दोनों ही सेम है तो हमने इधर अटैक करवा दिया और ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या हो गया, पीएच सी एच टू सी एच टू ओ माइनस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? पीएच सी एच टू, ये सी एच टू ये वाला कार्बन हो गया, फिर सी एच टू ये वाला कार्बन हो गया और ओ माइनस। ऑब्वियस सी बात है जब एच प्लस डालोगे तो वो ओ एच बना देगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यही हमें प्रॉड दे रखा है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। समझ गए? अब नेक्स्ट पे आते हैं, पीएच एमजीबीआर प्लस एच सी एच ओ। ये नॉर्मल तुम्हारी रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तुम्हें पता है गाइस कैसे होता है। पीएच पे नेगेटिव चार्ज था, इसने यहां पे अटैक करा, ये ओ माइनस बना और ओ माइनस का बाद में ओ एच बन गया। सो दिस इज द प्रॉड दैट यू विल गेट। ये प्रॉड भी सही है गाइस। सो द ओनली इनकरेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन टू, ये वाला बच्चों। आई होप इट इज क्लियर टू यू।